अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। नाज़रीन, अवामी राय प्रोग्राम के साथ अपनी सीटीवी न्यूज़ की टीम के साथ इस वक्त मैं लाइव मौजूद हूं टी ब्लॉक में रोशन डेवलपर्स पर। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर ज़िशान अशरफ, इनका नाम है, आइए इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं लाइव। जितने लोग हमें देख रहे हैं जी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप अपना फीडबैक मुझे देते थे और मैं आपको अवामी राय में रियल एस्टेट बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलवाऊंगा, बातचीत करेंगे उनसे उनके बिजनेस के हवाले से, साथ ही उनसे उनकी राय भी जानेंगे कि गवर्नमेंट को वो अपनी क्या राय देंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। सो वंस अगेन, मैं रोशन डेवलपर्स पर टी ब्लॉक डिफेंस में मौजूद हूं और हमें ज्वाइन किया है मिस्टर ज़िशान अशरफ ने। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो बताएं कैसा लग रहा है, सीटीवी न्यूज़ की टीम आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, और आप लोग हमारे पास आए हैं, ठीक है। अच्छा ज़िशान भाई, थोड़े से कमेंट्स आपके जाना चाहेंगे अवामी राय प्रोग्राम के बारे में, जो हम डीलर एसोसिएशन को मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हजरात को। कैसा प्रोग्राम है ये? अच्छा प्रोग्राम है जो डीलर्स को हम मिल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे। जी जी, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, बाहर के जो लोग हैं वो भी हम लोगों को देखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे चीज़ें लेने के लिए। ठीक है, अच्छा वंस अगेन एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं ज़िशान भाई, आज के आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं लाइव। जितने हमारे सीटीवी न्यूज़ के व्यूवर्स देख रहे हैं, सभी को हाथ हिला के अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। सलाम, ठीक। अच्छा ज़िशान भाई, अभी पहला क्वेश्चन आपसे करूंगा मीडिया के बारे में। आपने बताना है पाकिस्तान में जो मीडिया है अपना रोल कैसा अदा कर रहा है। पाकिस्तान में मीडिया जो है अपना बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। जी जी, ठीक है। और जितने भी मीडिया वाले हैं वो सारे अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी नाइस, ठीक। अच्छा सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा रोशन डेवलपर्स के बारे में, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है इससे कितने अर्सा दराज से आप मुंसलिक हैं? आई मीन टू से कितने सालों से ये प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं? मेरे वाले साहब को कुछ 40 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, ठीक है। और हम भी मतलब मैं अपने वाले साहब के साथ ही काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का भी करते हैं और कंस्ट्रक्शन मतलब सोसाइटीज़ वगैरह बनाते हैं अपने। डिफेंस में कितनी देर हो गई यहाँ पर? डिफेंस में ये टी ब्लॉक में हमें 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल हो गए, 20 साल से हमारा यही ऑफिस है, अपना प्लाजा यहीं पे हम लोग। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा, चूंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है अवामी राय, तो आपकी राय भी हमारे लिए बड़ी कीमती है। अभी गवर्नमेंट को आप अपनी क्या राय देंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए? गवर्नमेंट के लिए ये राय देंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी अवाम को रिलीफ दे। जी जी, ठीक है। और अवाम के लिए कोई सहूलतें दे। अवाम तो इस टाइम गवर्नमेंट से बहुत परेशान है, ठीक है। अच्छा वोट वैसे आपने किसको कास्ट किया था? वोट हम लोग जी नून लीग को देते हैं। अच्छा नून लीग को देते हैं। अच्छा नहीं, खैर हम चाहे पीटीआई के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पर, हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। अच्छा आखिर में एक क्वेश्चन करूंगा आपसे, जो भी हमारा स्पेशल गेस्ट होता है अवामी राय में, हम उससे क्वेश्चन करते हैं, आपसे भी करेंगे। एक दिन के लिए अगर आपको मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करेंगे, पंजाब पुलिस का, हॉस्पिटल का, स्कूलों का निज़ाम ठीक करेंगे, कौन सा आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जी हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल का, और अपने मुल्क की एजुकेशन का है। जी जी, ठीक है जी, उसके लिए काम करेंगे और गरीब आवाम के लिए काम। वेरी नाइस, ठीक है। आखिर में जल्दी से आपने बताना कैसा लगा आज हमारी सीटीवी न्यूज़ की टीम आपके ऑफिस में आई? बहुत अच्छा लगा जी, आप लोग हमारे पास आए हैं, इंशाल्लाह दोबारा भी आप आएंगे हमारे पास, ठीक, और आपको दोबारा भी हम लोग बुलाएंगे जरूर। ठीक, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मेरे साथ ही का ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर ज़िशान अशरफ, इनका नाम था। अभी हमारे दूसरे दोस्त हैं मिस्टर अहमद, उनको भी मिलते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं जी जनाबी आला, ये अपनी क्या राय देंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। मैं वंस अगेन बताता चलूँ टी ब्लॉक में मौजूद हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अहमद भाई? ठीक ठाक है आप? ठीक। अच्छा कैसा लग रहा है जी आज सीटीवी न्यूज़ की टीम आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, इन्होंने हमें स्पेशल इनवाइट किया है, सीटीवी न्यूज़ की टीम को बुलवाया, तो कैसा सरप्राइज आपको दिया जी आज? बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लाइव इस वक्त हमारे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हाथ ला के सबको जरा अस्सलाम वालेकुम कह दें जी। अस्सलाम वालेकुम, ये बड़े प्यारे भाई हैं जी हमारे, अहमद भाई हैं। अच्छा अहमद भाई, आपने बताना है पहला क्वेश्चन आपसे, मीडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं आपके? मीडिया पाकिस्तान में अपना रोल कैसा अदा कर रहा है? अच्छा रोल अदा कर रहा है, पॉजिटिवली, ठीक हो गया। अच्छा आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस से कितने देर से मुंसलिक हैं आप? तकरीबन 5-6 साल हो। अच्छा 5-6 साल हो गए, ठीक है। तो कैसा बिजनेस चल रहा है प्रॉपर्टी का आजकल, कैसे हालात है? आजकल स्लो है। स्लो है, स्लो है, ठीक हो गया। अच्छा अभी आपने एक राय आपने देनी है, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं। जी जी, ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, हम सबके राइट्स हैं,
तो अभी खान साहब को क्या राय देंगे इमरान खान साहब को, जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए? जी वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि 2 से 3 सालों में आपको बड़ी बेहतरी नजर आएगी। ओके अच्छा, वोट वैसे आपने किसको कास्ट किया? मैंने पीटीए को वोट किया। ले जी अहमद भाई पीटीए के सपोर्टर हैं, किसी ने स्माइल भी हमें दिखा रही है कि जी प्यार करते हैं जी पीटीए को। अहमद भाई हमसे पीटीए के हों, नू लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। अच्छा आखिर में एक हमारा जो भी गेस्ट होता है हम उसको क्वेश्चन करते हैं, आपसे भी करेंगे क्योंकि लाइव इस वक्त हमें सारी दुनिया देख रही है, आपकी भी सोच जानेंगे। अगर एक दिन के लिए आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोजमर्रा के जो है उनके रोजगार वगैरह, ये उनको जो है एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को। वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरत बात की जी इन्होंने, वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करें। थैंक यू सो मच जी अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। जाते जाते आपके भी मीठे मीठे अल्फाज हम सुनना चाहेंगे, कैसा लगा सी टी वी न्यूज़ की टीम आई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपने अपना वक्त दिया। सोना सिंह उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेनतहा पसंद आया होगा। आज मैंने आपको विजिट करवाया रोशन स्टेट पर जो कि टी ब्लॉक में वाक़ है। सो जशान भाई से भी हमने बातचीत की और अहमद भाई से भी हमने बातचीत की, उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बातें, इनके ओपिनियन जो इन्होंने गवर्नमेंट को दी है आपको बेनतहा पसंद आएगी। फीडबैक में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कि आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा। अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाजत दीजिएगा, वेरी सुन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ अवामी राय प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन सुलह व सलामती को कायम करे। आपके साथ मिलकर एक नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन।